अवामी टाइम्स में स्वागत है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अली पाटंगर साहब मशहूर समाजी खिदमतगार से नुमाइंदा अवामी टाइम्स की खास बातचीत। गवर्नमेंट के पन्ने वाली कोम जी सकती है, तरक्की नहीं कर सकती जी। मैं हर रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, समझ में जी। हर रिजर्वेशन के खिलाफ। आज तुमने आदिवासी दलित शेड्यूल का 75 साल से उनको रिजर्वेशन चल रहा है, एक ही जागे बढ़े जी नहीं बढ़े। ब्राह्मीण जहाँ जा गया चला गया, हिंदुस्तान से सब रिजर्वेशन बंद करो, समझा। हमने इस मुल्क पर 700 साल हुकूमत की, हम दलितों से भी खराब हो गए। बेशक रिजर्वेशन हो, गरीब और जो टैक्स दे सकता है वो रिजर्वेशन, फिर वो मुसलमान हो, मराठा हो या कोई जात को, जात पात पर किसी को रिजर्वेशन बंद कर रहे हैं। चलो जी जी, तुम रिजर्वेशन हो उसकी इक्तिसाद जल है, अमीर गरीब कह दो, दिन हिंदुस्तान में जो 25,000 कमाने वाला साल का मैं उसको गरीब कमाता है, 100 रुपये भी उसके दिन में नहीं कमाता है। अब लिख सर सुनो, लिखो इसको जी, जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, वही मैं लिखो। 100 रुपये भी कमाने वाला तो होता है। अरे कब से बैठे, मैं कब से आया हूँ, 5 मिनट जी जी। 100 रुपये कमाना होने के बाद 3,000 महीने को होता है, साल का 36,000 होता है जी जी। 50 रुपये भी नहीं जो कमाता है तो 1,500 हो जाता है, तकरीबन 20-22,000 तक आता है। बिल्कुल 50 रुपये में कोई एक खा सकता है। मैं कहता हूँ जो आदमी 25,000 से भी 25,000 तक कमा, मैं हिंदुस्तान का गरीब उसको मैं कहूँ, गरीब और अमीर ये दो ही तबके हो, मजहब के नाम पे और खास मुसलमानों से कहो इस्लाम में इसको खत्म कर दिया है। तुम्हारे पास दाओ ज़कात देना शुरू करो, तो 5 साल में 1,500 साल से तुम ज़कात देते, आज इस्लामी निज़ाम पे अमल करते मुसलमान होते हुए, तो मैं कहता हूँ आज मुसलमान भूखा मिलता। हमारा ज़कात का अल्लाह ने कहा 1,500 साल पहले शुरू हुआ है। बिल्कुल आज अगर आज गए दो कल है, एक गया और कल आने वाला कल, गया और कल चला गया, आओ हम मुसलमान अपने में इस्लाह करें और आने वाले कल की तरफ देखें कि हम अल्लाह के राह में करते हैं। अगर मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान अल्लाह के लिए सिर्फ 10 रुपये महीने देता है तो 240 करोड़ 250 करोड़ महीने को मिलते हैं, साल को 1,000 करोड़ आते हैं। हम 5 साल में हमारी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं, हम 5 साल में हमारे तालीमी निज़ाम को सेचुरेट कर सकते हैं। अरे मुसलमानों अब अल्लाह से डरने लगो, किससे डरो मत, सुलह हुदैबिया पे अमल करो, 10 साल तक भूल जाओ पॉलिटिक्स को, 10 साल तक अपनी तिजारत अब बच्चों की तालीम देखो, 10 साल में हम बदल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से काम लिया, अल्लाह सुलह हुदैबिया में मरा मक्का वालों को यही कहा ना, हम 10 साल तक जय नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, 3 साल में फतेह मक्का मिल गई। मुसलमान लोग 5 साल में तुम इज्जत की ज़िंदगी गुजारो गया, क्या तुम रिजर्वेशन जो, अरे मेहनत करो, क्या मुसलमान ज़कात देना शुरू करो, मुसलमान लिल्ला देना शुरू करो। कल ईदुल फितर चला गया, हर मुसलमान को कम से कम 100 रुपये देना था, मैं कहा 40% मुसलमान से वो 100 रुपये भी नहीं दे सकते, लेकिन 12 करोड़ मुसलमान 100 रुपये में ईद उल फितर का देते तो 1,200 करोड़ आते, 5,000 करोड़ के तुम्हारे पास प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं। ये मैं मुसलमान का ये बात करो तुम तो कुरान भी बोलते कुरान भी ऐसा नहीं है कि जिस तरह देखे मुसलमान जिस तरह ज़कात निकाले तो उसके लिए वो खास इदारा होना चाहिए जो मतलब एक एतमाद के साथ। मैंने 12 आज से 10 साल पहले जी हर मसलक के लोग मुसलमानों को जमा किया। अच्छा अच्छा, ये कि तुम्हारे मसलक कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ जाओ सब,
हमने पीपल वेलफेयर ट्रस्ट किया, मैं किसी से एक रुपए नहीं लेता हूँ। आइए इसमें सर, आइए हमारे अकाउंट अब यूनियन बैंक में हो रही है, जकात अकाउंट, लिल्ला अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। रमजान में लोग मांगने आते हैं, जरूरत नहीं। आज हमारे मदरसे रखना जरूरी है, जिस मुल्क से मदरसे खत्म हो गए, दिन खत्म हो गया। लेकिन मदरसे वालों को कहते हैं दीन के साथ दुनिया भी आ जाओ, तुम इतने अकल रहते हैं, एक हाफिज कुरान दुनिया का कोई इम्तिहान पास कर सकता है, इतना उसका दिमाग तेज रहता है। वो डॉक्टर इंजीनियर कोई भी इम्तिहान हो सकता है। आइए हम हर मदरसों को, जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई एक मस्जिद के एक चर्च बनाते हैं, वह स्कूल बनाते हैं, आइए हम सब मदरसों को कॉन्वेंट स्कूल की तरह बनाए दीन के साथ। आज दावत जबान अरबिक थी, उस हमारे हर नबी आए अपने जबान में उन्हें दावत दी, हमारे नबी आए कुरान अल्लाह एक जबान अरबिक है, इसमें कोई शक नहीं, अरबिक सुन्नत है जानना, लेकिन आज दावत जबान अंग्रेजी बन गई है। हम अपने में दावत नहीं होते, अपने में इस्लाह है, मुसलमानों में इस्लाह करो और उनमें दावत करो। आज दावत का ख़त्म हो गया, 1500 साल में इस दावत ने हमको दुनिया का 1/3 बनाया। दुनिया की आबादी 810 बिलियन है, अगर हम 1/3 भी है तो 300 करोड़ हम हैं। 300 करोड़ एक 10 रुपये महीने अल्लाह के लिए करते हैं तो 3000 करोड़ हर महीने तुम्हारे पास आ जाते हैं, पूरी मिल्लत सुधर सकती है। एनजीओ मदरसे वाले टेबल लगा कर बैठते हैं, इस मामले में आपकी क्या राय करते हैं? देखिए कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी देखो, नबी इब्राहिम की पूरी जिंदगी और उनकी बीबी हाजरा की पूरी जिंदगी कुर्बानी बताती है।